inverse of matrix. देखिए इसका केवल steps follow करना है, बाकी है ना ये ज्यादा complicated नहीं होता है. कैसे क्या करना है थोड़ा समझते चलिएगा. सबसे पहले आपके पास एक मैट्रिक्स दिया, गिवन रहेगा एक मैट्रिक्स. आप इस मैट्रिक्स का माइनस फाइंड करेंगे. माइनस निकलने के बाद साइन कन्वेंशन अप्लाई करके आप इसका कोफैक्टर निकालते हैं. कोफैक्टर का ट्रांसपोज करके आप इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करते हैं और इसी एडजॉइंट में डिटरमिनेंट के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मिलता है. ठीक है, यहां जाके इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मिलेगा. तो कोई एक मैट्रिक्स दिया तो वहां से इनवर्स तक पहुंचने का इतना प्रोसेस. अब इसमें हम लोग क्या करेंगे ना कि प्रोसेस को थोड़ा छोटा करते चलेंगे. जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रोसेस को थोड़ा छोटा करते चलेंगे. हम आपको यहां पे थोड़ा एक समरी दे दें. जो गिवन मैट्रिक्स है उससे माइनस निकालना, यानी कि सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना होगा. माइनस से कोफैक्टर निकालना है, यानी साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है. आपको सब चीज बताया जाएगा, ठीक है ना. आप बस सुनते चलिए कि क्या होता है कैसे करते हैं. ठीक है, कोफैक्टर से जब एडजॉइंट बनाएंगे इसमें ट्रांसपोज अप्लाई किया जाता है. ठीक है, ट्रांसपोज. और एडजॉइंट से जब इनवर्स निकालेंगे तो मल्टीप्लाई किया जाता है 1/ डिटरमिनेंट ऑफ ए से. ठीक है, ऐसे स्टेप्स फॉलो होगा. चलिए इतना बोलने के बाद पहले क्वेश्चन बता दे जिसमें आपको दिखा दे कि कैसे क्या करना है, फिर उसके आगे थ्योरी बात किया जाएगा. एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स ए दिया, ठीक है, छोटा सा 2x2 का, और ये क्या दिया हुआ है 2531, ऐसा कितने का 2x2 का केवल. ठीक है, 2x2 का 2531. अब इसके बेसिस पे पहला काम होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना. तो इसके लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 माइनस 3 × 5. तो ये रिजल्ट क्या प्रोवाइड किया, 2 − 15 दैट इज −13. ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए −13. जैसे −13 हमको मिला डिटरमिनेंट, अब अगला प्रोसीजर होगा फॉर माइनस कैलकुलेशन के लिए. तो जब आप माइनस इस 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे, आपको सिखलाया गया था ये चीज पहले पढ़े हुए हैं, M11 तो वो होगा 1. जब M12 कैलकुलेट करेंगे इसके लिए 5 के लिए माइनर, तो इसका रो कॉलम छोड़ के 3. M21 इस एलिमेंट के लिए रो कॉलम छोड़ के 5. M22 इसके लिए रो कॉलम छोड़ के 2 हो जाएगा. ठीक है, तो 1, 3, 5 और 2 ये मिल गया हम लोग को एज माइनर्स. तो मेरा ये स्टेप कंप्लीट हो गया. गिवन मैट्रिक्स से माइनर निकाल लिया. अब कहा कोफैक्टर, तो कोफैक्टर्स के लिए ध्यान रखेंगे कि साइन कन्वेंशन कैसे होता है. जब कभी भी आपके पास 4 एलिमेंट हो आप साइन कन्वेंशन लेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी माइनर के ऊपर कोफैक्टर का साइन अप्लाई कीजिए. माइनर के ऊपर साइन अप्लाई कीजिए वो कोफैक्टर बन जाएगा. तो जो मेरे पास कोफैक्टर्स होगा, कोफैक्टर्स C11 इस पे कौन सा साइन लगेगा प्लस, तो 1. C12 इस पे कौन सा साइन लगेगा माइनस, तो वो −3 हो जाएगा. C21 इसके ऊपर, सॉरी 21 के ऊपर माइनस लग गया −5, और C22 इसके ऊपर प्लस लग गया, यानी ये 2 रह जाएगा. ठीक है, अब देखिए क्या करना है कैसे करना है. जितना अभी तक अरेंजमेंट हुआ उसके बेसिस पे माइनर मैट्रिक्स 1, 3, 5, 2 कोफैक्टर मैट्रिक्स 1 − 3 − 5 2 1 − 3 − 5 2 ये हो गया. अब उसके बाद कोफैक्टर के बाद ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट मिलेगा, यानी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए दैट इज इक्वल्स टू कोफैक्टर का ट्रांसपोज. ट्रांसपोज कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बनाया जाए, यानी कि 1 − 3 किसमें कॉलम में, −5 2 किसमें कॉलम में, ऐसे कन्वर्ट हो गया. मिल गया एडजॉइंट, यहां तक फुलफिल. अब उसको डिटरमिनेंट के रेसिप्रोकल से बस मल्टीप्लाई करेंगे, इनवर्स मिलेगा. तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स दैट इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट, अगर आप देखें तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो −1/13 और उससे मल्टीप्लाई किए एडजॉइंट को 1 − 5 − 3 2
ये हुआ मैट्रिक्स ए का इनवर्स। तो 2x2 के लिए कुछ इसी प्रोसेस में कैलकुलेशन करते हैं, 3x3 में भी प्रोसेस यही होगा, बस क्या है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि वहां 9 एलिमेंट्स के लिए कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ठीक है, इतना नोट कीजिए और कुछ डाउट है तो पूछ लें। आप लोगों को नया शेड्यूल मिल गया है, सबको नया वाला शेड्यूल मिला? ठीक है। अच्छा, कल आप लोग शायद केमिस्ट्री क्लास में, आप में से जो नहीं थे कल, जो आरके सर केमिस्ट्री ले रहे थे, आप में से शायद कोई कोई नहीं भी थे, तो सुन लीजिएगा, कल संडे है ना, कल आपका 1:30 से 3 तक फिजिक्स का क्लास है, जो आरके सर मैग्नेटिज्म का क्लास ले रहे हैं ना, वही कंटिन्यू है। ठीक है, कल संडे को, और क्योंकि संडे को आपका क्लास हो जाएगा 1:30 बजे से, इसलिए मंडे को फिजिक्स वाला ऑफ है। ठीक है, मंडे को फिजिक्स वाला ऑफ है, यही मंडे का जो फिजिक्स होता है वो सर संडे को कल ले रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये? देखिए, 3x3 के लिए थोड़ा कैलकुलेट कर रहे हैं, थोड़ा लंबा जाएगा, किसी भी टर्म में कुछ भी इशू होगा तुरंत माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा। मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, 2, 1, -1, 3, 2, 3, -2, 0, 1, 5, 1, ऐसा। ठीक है, अब इसके लिए सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के दिखाइए कि क्या होगा। देखिए, स्टेप्स जो है वो थोड़ा सा छोटा करके चलेंगे, एक दो पार्ट आपको जरूर बताएंगे एक्सप्लेन करके, क्योंकि आप में से कोई है जो कि माइनर और एडजॉइंट के टाइम में नहीं था। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहला M11 ये होता है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का प्लेस, इससे रिलेटेड रो छोड़ दीजिए, कॉलम छोड़ दीजिए, 4 एलिमेंट बचा, उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, -2, 0, 5, 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, -2, ये आ गया। जब M12 का बात होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी 1 के लिए, इससे रिलेटेड कॉलम और रो छोड़ के आपको एलिमेंट दिखेगा 3, 0, 1, 1, ठीक से देखिए, ये 3 देगा। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, अगर हम सब निकालेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, थोड़ा शॉर्ट करते हैं। माइनर, आपको M11 पता चला, -2, 1, 2 कितना 3, अब इसके लिए माइनर, तो इसका कॉलम रो छोड़ के 15+2, 17, इसके लिए माइनर, इसका रो कॉलम छोड़ के 1+5, 6, -2 के लिए तो इसका रो कॉलम छोड़ के 2+1, 3, 0 के लिए 10-1, 9, 1 के लिए 0-2, -2, 5 के लिए 0+3, 1 के लिए -4, -3, -6, डायरेक्ट ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, आप ज्यादा लेंदी ना करें, देखिए पहला क्वेश्चन था, हम आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिए, अब क्या है धीरे धीरे सॉर्ट करते चलेंगे, ठीक ना, उतना ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है। माइनर मिल गया, अब हमको कोफैक्टर, तो कोफैक्टर में ध्यान रखिएगा +-+-+-+ ये साइन का मेंशन चलेगा, इसको उठा के इसके ऊपर पुट कर दीजिए। माइनस का मतलब होता है साइन चेंज और प्लस का मतलब होता है साइन चेंज नहीं करेगा। ठीक है, बस उसी चीज को ध्यान में रख के यहां से कोफैक्टर +-+-+-+ ठीक है, प्लस का मतलब साइन चेंज नहीं करेगा और माइनस का मतलब साइन चेंज करेगा, बस इतना ही मीनिंग होता है। जैसे कोफैक्टर मिल गया, अब इसके बाद एडजॉइंट कैलकुलेट करना है, एडजॉइंट, तो एडजॉइंट के लिए हम लोग जानते हैं क्या करना है, ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए दैट इज इक्वल्स टू कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मीनिंग क्या है कि जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बनेगा, मतलब जो हॉरिजॉन्टल वे में है ना वर्टिकल में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, -2, -3, 17, -2, -3, 17, उसके बाद -6, 3, -9, फिर कौन -2, -3 और -7, ये आ गया, मिल गया एडजॉइंट।
डिटरमिनेंट निकालने हैं क्योंकि डिटरमिनेंट भी चाहिए। तो डिटरमिनेंट निकालने में ध्यान से टू टाइम्स ये मल्टीप्लाई होगा, यानी उसका रो कॉलम छोड़ के जो मिलेगा वो मल्टीप्लाई होगा। कितना? -2051। फिर माइनस वन टाइम इसका रो कॉलम छोड़ के 3011। फिर प्लस, तो प्लस ऑफ माइनस ये माइनस वन रह जाएगा। उसके बाद रो कॉलम छोड़ के 3-2 05। क्या आप इस बात को समझे कि डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? सबसे पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट को लेंगे, साइन होगा प्लस माइनस प्लस का, ठीक है। उसके बाद जिस एलिमेंट को लेंगे उससे रिलेटेड रो कॉलम छोड़ के बाकी जो चार एलिमेंट बचा उसका मल्टीप्लीकेशन करना है। आपके सामने लिखा है, अगर किसी में दिक्कत होगा आप जरूर बात करेंगे। -2 -1 टाइम 3 -1 टाइम 15, कुल मिला के मेरे पास आया -4 -3 और -15 -22। अब इनवर्स, ए इनवर्स क्या फॉर्मूला? 1/determinant of A into adjoint of A। तो मेरे पास डिटरमिनेंट है और एडजॉइंट भी है, तो एडजॉइंट यहां पे जो कैलकुलेटेड है पूरा वही लिख दीजिए, -2 -6 -2, फिर -3 3 और -3, फिर 17 -9 और -7। बस ये मिला मेरा ए इनवर्स। जब भी आपके पास क्वेश्चन होगा एक छोटा सा डिटरमिनेंट मैट्रिक्स होगा, आप उसके लिए माइनर निकालें, कोफैक्टर निकालें, एडजॉइंट निकालें, डिटरमिनेंट निकालें, चार चीज कैलकुलेट किया गया और उसके बाद एक अरेंजमेंट कर दिया गया, आंसर हो गया वहीं, ठीक है। नोट कीजिए, एक क्वेश्चन 2x2 का दे रहा है, पहले आप उसको ट्राई कर लेंगे इतना नोट करने के बाद। वो है -2 1 1 3 ऐसा, ठीक है। बोला गया ए इनवर्स कितना, वो कैलकुलेट करके बताइए। कंप्लीट कीजिए। आगे आंसर, आंसर 1/7 3 -1 -1 -1 -2 ठीक है। टू क्रॉस टू का एकदम शॉर्टकट बताते हैं, ठीक है। ध्यान से जो भी आपके पास मैट्रिक्स दिया रहेगा, ठीक है, जो भी आपके पास मैट्रिक्स दिया रहेगा आप क्या करेंगे उसके लिए ध्यान रखिए। सबसे पहला काम है आपका तो डिटरमिनेंट आपको निकालना पड़ेगा। तो डिटरमिनेंट के लिए -2 × 3 -6 और -1 -7 एक स्टेप का चीज। दूसरा, आप एडजॉइंट कितनी आसानी से निकाल सकते हैं, वो क्या करना है कि जो ऐसे डायगोनल है ना, ऐसे डायगोनल इसको इंटरचेंज कर दीजिए, 3 - 2 - 2 3 का क्या हो गया 3 - 2, और ऐसे डायगोनल जो है उसका साइन चेंज कर दीजिए, मिल गया एडजॉइंट। अब डिटरमिनेंट और एडजॉइंट मिल गया तो इनवर्स लिखना, बस क्या करना है 1/determinant और (into adjoint of A) ऐसे लेके चलना हमें। तो -1/7 और इसके साथ एडजॉइंट 3 - 1 - 1 2, मिल गया, ठीक है। ऐसे शॉर्टकट में बनाना है 2x2 को, ये केवल 2x2 के लिए ही हो सकता है, 3x3 के लिए आपको ऐसे चलना ही पड़ेगा इस प्रोसेस। चलिए, जिसका अगर नहीं हो पाया या कहीं कुछ मिस्टेक हुआ आप उसको ठीक कर ले। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है इनवर्स का, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज, सबसे पहला, अगर किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का फिर से इनवर्स निकाले तो वो मैट्रिक्स के बराबर होता है। किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का फिर से इनवर्स निकाला जाए यानी दो बार, तो वो हमेशा क्या होगा, मैट्रिक्स के बराबर। अब इस दो को हम जनरल कर रहे हैं और हम क्या बोल रहे हैं, इवन नंबर ऑफ टाइम्स। अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स इनवर्स निकालेंगे तो वो मैट्रिक्स के बराबर होगा। क्या बोला गया उस चीज को समझिए, ए का इनवर्स, इसका इनवर्स, इसका इनवर्स कितनी बार, तो 2n टाइम्स मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम्स, वो हमेशा ए के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि इफ इनवर्स अप्लाइड इवन नंबर ऑफ टाइम्स देन
इट बिकम्स इक्वल टू मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स ए के बराबर होता है। बस यही चीज यहां पे लिखे हैं, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी देखिएगा, अगर आप ए प्लस या माइनस बी का होल इनवर्स करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं, सिंपली दोनों पे अलग अलग इनवर्स लगा दीजिए, यानी लिख सकते हैं ए इनवर्स प्लस और माइनस बी इनवर्स, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा कहीं बोर्ड कटेगा ना तो आप हमको बताइएगा, ठीक है, अगर कहीं कुछ नहीं दिखा तो हमको बताइएगा। ये वो थर्ड, अगर ए इंटू बी का होल इनवर्स है, देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, प्लस माइनस में कोई इफेक्ट नहीं मगर मल्टीप्लीकेशन में इफेक्ट पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो ए बी लिखा था ए फर्स्ट में बी सेकंड में, ये उल्टा हो जाएगा, यानी बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स हो जाएगा। मतलब इनवर्स जब इंडिविजुअली मैट्रिक्स पे अप्लाइड होता है तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है, चेंज क्या उल्टा ही हो जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर ए इंटू बी इंटू सी का होल इनवर्स है तो ये सी बी ए हो जाएगा, सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस और भी बनता है। आगे, अगर कभी फोर्थ नंबर मैट्रिक्स को इसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, मैट्रिक्स को इसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, ये आइडेंटिटी हो जाएगा। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय इनवर्स या फिर इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स, दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको याद होगा डायगोनल में 1 1 1 कंटेन करता है, उसके इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये इनवर्स लिखा है। उसके बाद फिफ्थ नंबर, अगर ए इंटू बी आई के इक्वल है, ध्यान रखिएगा ए इंटू बी अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के इक्वल है तो बी को आप लिख सकते हैं कि ये ए इनवर्स के बराबर होगा। अगर ऐसा हुआ तो ये होता है। एक और प्रॉपर्टी देखिएगा, एक और प्रॉपर्टी, अगर ए बी सी, ए बी सी मान लीजिए डी मैट्रिक्स के बराबर है, मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी इंटू मैट्रिक्स सी, तीन मैट्रिक्स अगर डी मैट्रिक्स के बराबर है, तो ध्यान से ए जो है वो बी के पहले है, ए जो है वो बी के पहले है, अगर उधर भी गया तो ये पहले रहेगा, ऑर्डर मायने रखता है, अगर आगे पीछे कर दीजिएगा आंसर गलत आ जाएगा। तो ध्यान रखिए अगर बी से पहले है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, उधर भी जाएगा तो ये फर्स्ट में ही रहेगा, यानी कि बी इक्वल्स टू ए इनवर्स, उधर गया तो इनवर्स, उसके बाद डी और तब जाके सी इनवर्स। क्या आप सीक्वेंस को पहचान पा रहे हैं, क्या बोला गया, ए फर्स्ट था तो इनवर्स भी फर्स्ट ही रहेगा, सी थर्ड था तो इनवर्स भी थर्ड पोजीशन पे ही रहेगा, अगर आप उसको आगे पीछे किए आंसर गलत, ठीक है। सेवन नंबर, अगर कभी डिटरमिनेंट किसी एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो आ जाए तो वैसे केस में देन ए इनवर्स नॉट पॉसिबल, ए इनवर्स पॉसिबल होगा ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स ए इज नॉट इनवर्टिबल, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा नॉट इनवर्टिबल। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो हो जाए वो कभी इनवर्टिबल नहीं होगा, और इनवर्टिबल नहीं होने का मीनिंग क्या होता है, उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो है, आप कह सकते हैं मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल। ये कैसा होगा, इनवर्टिबल मैट्रिक्स होगा, इनवर्स निकालने लायक इनवर्टिबल वैसा मैट्रिक्स होगा, ठीक है। नोट करें, ये है प्रॉपर्टीज जिसके बेसिस पे आगे और क्वेश्चन बनेगा। इसमें एक क्वेश्चन इस तरीके का होता है कि इफ ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस आई दैट इज इक्वल्स टू जीरो, दैट इज इक्वल्स टू जीरो, तो बोला ये क्या, फाइंड ए इनवर्स when a is equals to matrix a दिया है 251 113 210। देखिए अभी क्या है ना कि हम क्वेश्चन ढूंढ रहे थे तो एग्जैक्ट क्वेश्चन मिला नहीं, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा ही, ठीक है, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कोई जरूरी नहीं है कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा, मगर हम आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट दिखाना चाह रहे हैं कि कैसा क्वेश्चन रहता है।
आपके क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया रहेगा ऐसा मैट्रिक्स को लेके, और बोला जाएगा कि इसको यूज करके ए इनवर्स निकालो। सब्जेक्टिव में अगर बोल दिया कि यूज करके ए इनवर्स निकालो, आप डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए ये काफी अच्छा भी होता है, इसको यूज करना काफी अच्छा भी होता है, उतना लंबा नहीं जाना पड़ता हम लोग को। तो बस आपको समझाया जा रहा है ये मे और मे नॉट भी एग्जिस्ट है, ठीक है, क्योंकि ये खुद से लिखा गया है, बुक में रहेगा वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करना है, मेन उस चीज पे फोकस कीजिएगा। अगर कभी मेरे पास ऐसा कोई इक्वेशन दिया हो और इनवर्स मांगे, तो तरीका क्या होता है कि जो भी आपके पास इक्वेशन है उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, मतलब ए स्क्वायर को ए इंटू ए, उसके बाद टू ए, फिर आई इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, दोनों तरफ ए इनवर्स से। तो देखिए क्या होगा, ए इनवर्स इंटू ए इंटू ए, इसमें मल्टीप्लाई किए, टू बाहर ए इनवर्स इंटू ए प्लस ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल्स टू जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करें। अब इसमें आपको याद है प्रॉपर्टी में बताइए आई होगा, देखिए ये ना, है ना, ये आई होगा, उसके बाद फिर से ये भी आई होगा, ठीक है, दो जगह आई पुट करते हैं, तो ये वाला पार्ट बन गया मेरा आई इंटू ए प्लस टू आई, और यहां पे ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल्स टू नल। ध्यान रखेंगे कोई भी मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होता है, किसी भी आगे पीछे कहीं भी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगा वो मैट्रिक्स ही होगा। तो आई ए क्या बन गया, ए प्लस टू आई, और ए इनवर्स आई क्या बन गया, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू नल। अब इसमें से क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या किया, ए इनवर्स बताओ, हम ए इनवर्स लिखेंगे और कितना लिखेंगे इसको उधर भेज के, नेगेटिव ऑफ ए प्लस टू आई लिखेंगे, नेगेटिव ऑफ ए प्लस टू आई लिखेंगे। ए मेरे क्वेश्चन में दिया, आइडेंटिटी हम जानते हैं, पुट करेंगे ए का इनवर्स निकल जाएगा। देखिए कितना शॉर्टकट होता है ये मेथड, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा इक्वेशन होता है, कभी क्यूबिक रहेगा कभी क्वाड्रेटिक रहेगा, जनरल तौर पे दो ही होता है, उससे ज्यादा पावर का नहीं दिया जाता है। अब ए इनवर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव बाहर मैट्रिक्स ए दिया है, टू फाइव वन, वन वन थ्री, टू वन जीरो, और इसके साथ में टू इंटू आइडेंटिटी, वन जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, जीरो जीरो वन, इतना हो गया। अब इस पार्ट को केवल हमको ऐड कर लेना है, तो नेगेटिव को बाहर ही रहने दीजिए, मैट्रिक्स टू प्लस टू फोर, फाइव प्लस जीरो फाइव, वन फिर से वन प्लस टू इंटू जीरो वन, वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस जीरो थ्री, टू फिर वन, और जीरो प्लस टू टू। ये जो नेगेटिव लगा के मिला ना, इट इज दी ए इनवर्स, ये मैट्रिक्स ए इनवर्स के बराबर होगा। देखिए प्रोसेस क्या होता है, इक्वेशन को यूज करके कैसे इनवर्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, चलिए नोट करेंगे उसको। और ऐसा ही एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, तब तक हम देते हैं मे और मे नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इफ मे और मे नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, बस ये लिख के दे रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस थ्री ए माइनस टू आई दैट इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू वन माइनस वन वन, टू वन माइनस टू, जीरो जीरो वन, फाइंड ए इनवर्स क्या होगा। बिल्कुल इसी प्रोसेस से बनाना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमको आंसर केवल दीजिए, और अगर हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे डील करते हैं। अब थोड़ा प्रॉपर्टी लगा के बस क्वेश्चन हम लोग को देखना है और कुछ नहीं। देखिए एक मैट्रिक्स ए दिया, क्वेश्चन कैसा रहता है, वन माइनस वन वन, फिर उसके बाद टू वन माइनस थ्री, वन वन वन, टेन बी, एक टेन टाइम मैट्रिक्स बी दिया, फोर टू टू, उसके साथ में माइनस फाइव जीरो अल्फा, फिर है वन माइनस टू थ्री, ठीक है। एक और चीज बता दें, ऐसा क्वेश्चन आपको आरडी शर्मा बुक में बहुत मिलेगा, वैसा क्वेश्चन आरडी शर्मा बुक में बहुत मिलेगा, ठीक है।
बाकी आपके पास दूसरे बुक्स में ये सब मिलेगा, मगर आरडी शर्मा बुक में ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है इनवर्स से रिलेटेड। देखिए ये दिया, आगे ये बोला गया कि इफ बी इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए तो फाइंड अल्फा। सोचिए इसमें कर क्या सकते हैं। अगर ये बता दिया कि b जो है वो a का इनवर्स है तो अल्फा बताओ कितना होगा, तो हमको क्या करना होगा, a का इनवर्स निकालना होगा और उसको b के इक्वल करना होगा। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जो b होगा दैट इज a इनवर्स, जैसा यहां बोला, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो b मैट्रिक्स होगा कितना, 1/10 करके, 1/10, तो 1/10 और मैट्रिक्स पूरा 4:2 -5 0 अल्फा 1 -2 3 और ये पूरा पार्ट a के इनवर्स के बराबर। अब मेरा काम है a का इनवर्स निकालना और यहां पे पुट करना, ठीक है। तो a के इनवर्स के लिए फॉर a इनवर्स प्रोसीड करते हैं। पहला चीज माइनर कितना, 1 के लिए 4, -1 के लिए 2 +3 5, 1 के लिए 2 -1 1, इस वाले टू का -1 -1 -2, इस वाले वन का 1 -1 0, -3 के लिए 1 + 1 2, इस वन का 3 -1 2, इस वन का -3 -2 -5, इस वन का 1 + 2 3, निकल गया माइनर। उसके बाद कोफैक्टर साइन लगा के प्लस माइनस प्लस निकल गया कोफैक्टर। अब यहीं पे, ठीक ना, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो आप कह सकते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 4 -5 1 वर्टिकली, 4 -5 1 2 0 -2 वर्टिकली 2 0 -2 2 5 3, ये भी वर्टिकल ऑर्डर में 2 5 3, कुछ ऐसा, ठीक है, मिल गया आंसर। अब मेरा काम है डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो यहां से, ठीक है, ए दिया, डिटरमिनेंट निकालना। देखिए आपको सिंपल चीज बता दे, अब जब डिटरमिनेंट निकालना हो कोफैक्टर पे ध्यान रखिए और ए पे ध्यान रखिए, ठीक ना, ये 1 अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, -1 अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होगा और 1 अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। फिर जब आप ऐड करेंगे डिटरमिनेंट निकल जाएगा, देखते चलिए। 1 × 4 = 4, -1 × -5 + 5, 1 × 1 = 1, मिल गया हमको डिटरमिनेंट। सब चीज धीरे धीरे सॉर्ट होता जाएगा, आपको लॉन्ग कट बताया जाएगा, आपको एक्सप्लेन करके दिया जाएगा, मगर आपको यह भी बता दिया जाएगा कि आप उसको छोटा कैसे कर सकते हैं। अब इनवर्स अपने आप में बड़ा होता है, किसी क्वेश्चन में इनवर्स का जरूरत हो जाए तो उतना लंबा बना के क्या कीजिएगा, उस जगह पे शॉर्टकट काम कीजिए, ठीक है। ये चीज इतना मिलने के बाद हम लोग को यह पता है कि जब कभी भी हम लोग इनवर्स लिखेंगे ए का, तो उस टाइम में 1/10 अंदर का चीज 4:2 -5 0 5 1 -2 3, ऐसा। अब एक बार आमने सामने देखिए, ठीक है, सब चीज आपको आइडेंटिकल दिखना चाहिए, तब जाके अल्फा का वैल्यू आपको पता चलेगा कि 5 के इक्वल होगा। देखिए एक बार, ध्यान देने वाला जगह यही है, आपको आंसर तो यहीं से निकालना है, बाकी सब तो इसका प्रिपरेशन है। अब देखिए 4 के जगह 4:2 -5 अल्फा -5 0 5, ठीक है, 1 - 2 3 1 - 2 3, हर चीज आइडेंटिकल, तो अल्फा भी तो आइडेंटिकल, तो अल्फा किसके बराबर, अल्फा 5 के बराबर। तो फाइनल आंसर मेरे पास इस क्वेश्चन में क्या आया कि अल्फा का वैल्यू जो होगा दैट इज इक्वल्स टू 5। ये ऐसे बनाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। जितना कम स्टेप आप यूज करना सीख लेंगे, इसका मतलब थ्योरी पे आपका कमांड उतना ज्यादा हो गया, ठीक है। जिस दिन एक्सप्लेन करने के लिए आएगा उस दिन एक्सप्लेन करके बनाएंगे, क्योंकि सब जानते हैं तभी तो छोटा कर पा रहे हैं। तो आप देख ले मार्क्स कितना है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को बड़ा कर दे या फिर छोटा कर दे, ठीक है।
नोट कीजिएगा इसको, और एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपके लिए, सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन है ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 1 2 -5 1, ठीक है, और इसके साथ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एक्स ए प्लस वाई आई, ये एक्स ए प्लस वाई आई, देन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई सॉरी एक्स और वाई कितना होगा ये पूछा, सॉल्व कीजिए। अच्छा ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं ना, ठीक है हम भी साथ में करते चलते हैं। इनवर्स डायरेक्ट लिख रहा है 1 + 10 = 11, ठीक है, डिटरमिनेंट 11 हो गया, और इसके साथ एडजॉइंट, तो एडजॉइंट में क्या करेंगे, डायगोनली चेंज और ऐसे साइन चेंज, तो 5 - 2 मिल गया ए का इनवर्स। अब उसके बाद अरेंज करते हैं, तो ए इनवर्स मीन्स 11 को ना अंदर इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है 11 को अंदर इंसर्ट करते हैं, तो 1 by 11 - 2 by 11 - 5 by 11 - 1 by 11 सब में मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल्स टू x से a मल्टीप्लाई हुआ, तो x से a मल्टीप्लाई मतलब x 2x - 5x और x, उसके साथ में y के साथ i मल्टीप्लाई हुआ, तो y 0 0y, ठीक है। अब आप लिखें, पहला एक इक्वेशन ऐसे लिख लें, x plus y is 1 by 11, x plus y is equals to 1 by 11, और दूसरा इक्वेशन आप ऐसे लिख लें 2x plus 0 is equals to -2 by 11, तो आप लिख सकते हैं दूसरा 2x is equals to -2 by 11, ये 2 और 2 कैंसिल ना, तो x का वैल्यू क्या मिल गया -1 by 11, x जैसे मिला आप यहां पुट कर दे, y आपको मिल जाएगा 2 by 11, हो गया काम, ठीक है एक्स और यही काम करना था, आंसर अपना मैच करा लीजिए बस। आप लोग ओमेगा जानते हो, ओमेगा मतलब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, इसका याद है 11 क्लास के कॉम्प्लेक्स नंबर में ये था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अच्छा इससे क्या होता है ना, इनवर्स में एक दो क्वेश्चन रहता है, मतलब कि वो मैट्रिक्स में अरेंज रहेगा, तो आपको इसका प्रॉपर्टी लगाना होता है, वैसे प्रॉपर्टी बता के क्वेश्चन बता देंगे कम से कम, ताकि आपको इसका एप्लीकेशन पता चले। ध्यान रखिएगा ओमेगा अगर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है तो 1 + ओमेगा + ओमेगा² 0 होता है, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू हमेशा 1 होता है, ठीक है। आपको इस कॉन्सेप्ट से बस दो ही फॉर्मूला है, आपको इसी कॉन्सेप्ट से ओमेगा का हर एक क्वेश्चन बनाना होता है। ओमेगा कहीं भी प्रेजेंट होगा, मैथमेटिक्स में ओमेगा का मतलब होता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, फिजिक्स में अलग मीनिंग है, तो मैथ में जब भी क्वेश्चन में ओमेगा दिखा इसका मतलब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और चाहे कहीं का भी क्वेश्चन हो उसमें प्रॉपर्टी यही दो लगता है, इसी के बेसिस पे सब क्वेश्चन बनता है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन आपको इसके एप्लीकेशन के साथ बता दें, इनवर्स का ही है। देखिए क्वेश्चन ये है, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 1 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ये तो बोला गया ए इनवर्स कितना होगा वो निकाल के दिखाओ, और सारा ऑप्शन ओमेगा के फॉर्म में, ठीक है सारा ऑप्शन ओमेगा कंटेन करने वाले मैट्रिक्स के फॉर्म में है, तो हम लोग कैसे क्या करेंगे वो देखिए। देखिए सबसे पहला चीज जो सीखे हैं बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे, पहला स्टेप मेरा डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट 1 टाइम ओमेगा स्क्वायर - ओमेगा 4, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 4 माइनस 1 टाइम ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 टाइम ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ठीक है। अब ये चीज आप नहीं देखे, आप अभी तक 1 देखे, ओमेगा देखे, ओमेगा स्क्वायर देखे, ओमेगा क्यूब देखे, ओमेगा 4 नहीं देखे। ओमेगा 4 के लिए बस आपको थोड़ा सोचना चाहिए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इसका वैल्यू 1, तो ये कुल मिला के किसके बराबर, ओमेगा, ठीक है। तो काम कैसे करना है, ओमेगा का जो भी पावर होगा उसको 3 से डिवाइड कीजिए, 3 से जो रिमाइंडर बचेगा वही यहां आंसर में रहेगा,
मतलब ये हुआ कि अगर कोई बोले देखो ओमेगा का पावर 100 है, आप 100 को 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए 1, तो इसका मतलब ये ओमेगा के बराबर, सही? ठीक है, बस आपको यही काम करना होता है, जो भी पावर है 3 से डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा वो इसके पावर में डाल दीजिए, उतना ही आंसर होगा। ठीक है, चलिए उस कॉन्सेप्ट से, ये ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा बन गया, ये माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर और यहां माइनस ओमेगा। देखिए कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है तो कर ले, नहीं हो रहा कोई बात नहीं। देखिए 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, यही आ रहा है, रहने दीजिए इसको यहीं। ठीक है, इसको और सॉल्व नहीं करना, यही छोड़ देना, हो गया। अब मैट्रिक्स का इनवर्स के लिए रिलेटेड, इसका सबसे पहले माइनस, तो माइनस जब निकालेंगे तो 1 के लिए ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 4, यानी कितना आया ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। 1 के लिए फिर से ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 के लिए ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। आगे इस 1 का ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, इस ओमेगा का ओमेगा माइनस 1, इस ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, इसके लिए ठीक है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, इस ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, इस ओमेगा का ओमेगा माइनस 1, ऐसा है। देखिए हर जगह से अगर आप कुछ कॉमन लेना चाहे ना, हम आपको अभी बता दे रहे हैं थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, ध्यान से देखिए, ओमेगा माइनस 1 कॉमन आ रहा होगा, देखिए ओमेगा माइनस 1 आएगा ओमेगा छूट जाएगा, ओमेगा माइनस 1 आएगा माइनस 1 रह जाएगा, ओमेगा माइनस 1 आएगा ओमेगा बच जाएगा, हर जगह से ओमेगा माइनस 1 कॉमन बाहर निकाल रहे हैं उसको, और को फैक्टर लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा ओमेगा माइनस 1 कॉमन हर जगह से और को फैक्टर लिख रहे हैं, तो प्लस ओमेगा बच गया, माइनस ओमेगा बच गया, प्लस ओमेगा, माइनस ओमेगा आ गया, यहां से प्लस यानी 1, यहां से माइनस, तो सोच के देखिए ओमेगा प्लस 1 बचा, तो माइनस 1 प्लस ओमेगा माइनस, तो माइनस ओमेगा प्लस 1 होगा इस जगह से 1, ठीक है, इतना बच गया। अब आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं, 1 प्लस ओमेगा, सोच के देखिए किसके बराबर, माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा, 1 प्लस ओमेगा पूछे माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा, कंफर्म कीजिए यहां से, ठीक है, बस इतना ही काम करना है हम लोग, ठीक है, यही काम करना है हम लोग इस प्लेस पे, तो जहां जहां ये है ना बस वैल्यू पुट करना चाहते हैं, तो को फैक्टर एक बार फिर से ओमेगा माइनस 1 के साथ, ओमेगा है ओमेगा है, ये भी ओमेगा, इस प्लेस पे ओमेगा 1, ये हो गया कितना ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये भी ओमेगा स्क्वायर, और ये देखिए इतना पहुंच गया, कोफैक्टर हो गया, डिटरमिनेंट है कोफैक्टर है, इनवर्स लिख सकते हैं, ए का इनवर्स दैट इज 1 बाई डिटरमिनेंट, तो ओमेगा निकाल के ओमेगा माइनस 1, यहां से ओमेगा माइनस 1 और उसके साथ पूरा का पूरा मैट्रिक्स ओमेगा ओमेगा ओमेगा, फिर है ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, आपको पता चला ये कैंसिल हो गया, आप चाहे तो ओमेगा से वहां पे डिवाइड कर ले तो आपको आंसर मिलता जाएगा, ओमेगा से डिवाइड कीजिए 1 1 1, फिर 1 1 बाई ओमेगा ओमेगा, फिर 1 ओमेगा 1 बाई ओमेगा, तो 1 बाई ओमेगा का क्या कॉन्सेप्ट है, 1 बाई ओमेगा का क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से, ओमेगा क्यूब 1 जानते, इसका मतलब ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब को, तो सोचिए ओमेगा स्क्वायर क्या 1 बाई ओमेगा के बराबर नहीं होगा, बोले ना दो ही फॉर्मूला है और वहीं से अरेंजमेंट करना है, तो हमको दिखा 1 बाई ओमेगा थोड़ा सा अटपटा टाइप का, तो हमको लगा कोई अरेंजमेंट हो सकता है, तो उसके लिए प्रोसीड करेंगे हमेशा इस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, तो 1 बाई ओमेगा की जगह ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, अब केवल पुट करना फाइनल आंसर मिलेगा हम लोग को कितना 1 1 1, इसके साथ में 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, उसके साथ में 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये मिला। अच्छा एक बार आप अपने क्वेश्चन को देखें क्या इसके जैसा है,
बस हाँ बिल्कुल, बस क्या चेंज है कि यहाँ पे ये R2 वहां R3 के जगह पे, जो यहाँ पे थर्ड रो है R3 वो वहां R2 के जगह पे, तो आप उसके बेसिस पे भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं वो सुनिएगा, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन का ऑप्शन में भी कुछ भी हो सकता है। देखिए प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अगर ये इंटरचेंज हो रहा है, आपको पता चला ना, टू चला गया थ्री पे, थ्री चला गया टू पे, अगर ये इंटरचेंज हो रहा है तो सोचिए एक माइनस से मल्टीप्लाई किए तो ये बन गया प्लस, ये बन गया माइनस, ये बन गया प्लस, ये क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास माइनस प्लस, और ये क्या बन गया माइनस। तो आप चाहे तो नेगेटिव लगा सकते हैं, मगर वो डिटरमिनेंट में होता है, आप छोड़ दें, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, यही आंसर होगा। इतना काम करना है। तो देखिए ओमेगा का दो ही फॉर्मूला होता है, मगर इससे घुमा के बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपके पास मैट्रिक्स में ओमेगा से रिलेटेड लगभग हर एक सेक्शन में कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा, और ओमेगा के बस इन्हीं दो प्रॉपर्टी पे आपको हर चीज कन्वर्ट करके जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर देना। ठीक है, नोट करेंगे, किसी स्टेप में कुछ डाउट भी है तो पूछ लें।